जन्माष्टमी व्रत को करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, विवाह और संतान संबंधित परेशानी दूर होती है। इन मंत्रों का पाठ करने से संतान व विवाह संबंधी बाधा दूर होती है। संतान के इच्छुक दंपति को इस मंत्र का जाप अष्टमी तिथि से प्रारंभ करना चाहिए। ओम नमो भगवते जगदात्म सूतये नमः। विवाह नहीं होने पर इस मंत्र का जाप इसी दिन से शुरू करना चाहिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पति मे कुरुते नमः। चंद्रमा को मन कारक कहा गया है और ज्योतिष में चंद्रमा से ही पूर्ण परमाताश प्राप्त कर श्री कृष्ण का जन्म कहा गया है। यदि आपकी राशि मेष या वृश्चिक है तो आप भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन अनार व सेव तथा पकवान का भोग लगाएं। यदि आपकी राशि वृष या तुला हो तो केला एवं मक्खन आदि का भोग लगाएं। यदि आपकी राशि मिथुन या कन्या हो तो हरे फल जैसे नाशपाती और पेड़े आदि का भोग लगाएं। यदि आपकी राशि कर्क हो तो केला एवं मक्खन दूध आदि का भोग लगाएं। यदि आपकी राशि सिंह हो अनार व सेव तथा शुद्ध घी के पकवान का भोग लगाएं। यदि आपकी राशि धनु या मीन हो तो रसदार फल और पीले पकवान का भोग लगाएं। यदि आपकी राशि मकर या कुंभ हो तो सूखे मेवे और उड़द से बने पकवान का भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण गोपालक थे, इसलिए उन्हें दूध से बने सभी पदार्थ विशेष प्रिय हैं। जिनको अपनी राशि का ज्ञान न हो वे दूध से बने पदार्थ अर्पित करें, सभी मनोकामना पूरी होंगी।